ना छतरी सर, थोड़ा ऊपर रिमोट सर। हाँ थैंक यू। यस सर, सर लोग यार साहब, हमारी बहन बानू
करेंगे ना भाई बिल्कुल बड़ा तो भी मिल जाएगी उससे पैसा कटाएंगे जो भी फंड रहेगा तो मेरी इतनी गुजारिश है एच कैपिटल मुझे प्रस्ताव भेजा है प्रॉपर्टी खरीदने का हमारे सीओ साहब के पास है आपके पास आएंगे तो हमारे जाने अनुसार यहाँ बैठे हुए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रोवाइड करें ताकि हज कमेटी और ज्यादा से ज्यादा ले सकूँ पर सीधा मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा ये पहली बार है पिछली बार हम लोगों ने ऑप्शन दिया था पहले ये था कि
इस बात की हमने ऑप्शन रखा है कि जम्मू कश्मीर का जो भी हाजी है वो दिल्ली से भी जा सकता है और इसी तरह से आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लोग कलकत्ता से भी जा सकते हैं, गुवाहाटी से भी जा सकते हैं, झारखंड के लोग जो है कोलकाता से भी जा सकते हैं और खुद रांची से भी जा सकते हैं। उसका किराया भी आपका उसमें लिख दिया गया है कि अगर आप कोलकाता से जाएंगे तो 95,000 लगेगा और जो पिछली बात था, और अगर आप रांची से जाएंगे तो 1,12,000 रुपये लगेगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश के मेदिनीपुर इलाके जो है उनको उसमें जोड़ा गया है, वो मुंबई से भी जा सकते हैं और भोपाल से भी जा सकते हैं। उसमें भी लिख दिया गया कि मुंबई से जाएंगे तो आपको 64,000 लगेगा और भोपाल से जाएंगे तो लगभग 1,00,000 होगा। उसी तरह से मैंगलोर का जो है वो उसमें बैंगलोर से भी जा सकते हैं, बेंगलुरु से भी जा सकते हैं। मुंबई के लोग जो है वो जो गोवा के लोग हैं मुंबई से भी जा सकते हैं, गोवा से भी जा सकते हैं। हैदराबाद और औरंगाबाद ऑप्शन है, लखनऊ वाराणसी ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन पहली बार किया गया और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। हालांकि जब लोगों को लग रहा है सब्सिडी खत्म हो जाएगी तो बहुत किराया बढ़ जाएगा और इसलिए तो हमारी मिनिस्ट्री ने उसमें बहुत जाने माने मुल्क के तमाम मशहूर मारूफ शोराय इकराम होंगे, वसीम बरेलवी साहब होंगे, हमीद सूरत साहब होंगे, तमाम बहुत लंबी लिस्ट है और आप सभी लोग उसमें आपको हम इन्वाइट करते हैं। हज हाउस से ही आपको मुशायरे के लिए इन्विटेशन मिल जाएगा और आप लोग हज हाउस से ले सकते हैं और आप लोग 26 अक्टूबर को शाम को 4 बजे मुशायरे में शामिल हो और जो हमारे पूरी हिंदुस्तान से जाने माने शोरा इकराम आ रहे हैं उनके कलाम भी सुने और उनकी हौसला अफजाई भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल से 1 महीने पहले किया गया है और ये एक ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हज 2019 जहां 100% सब्सिडी फ्री होगा, वहीं साथ ही आज हज हाउस मुंबई में हिंदुस्तान के किसी भी बिल्डिंग पर जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सबसे कहा जाने वाला सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज आज जो है उसको फहराया गया और जो कि मुंबई में और न केवल मुंबई में बल्कि इर्द गिर्द अपने भारत की आन बान शान को मजबूत करता रहेगा। हमें खुशी है कि पिछली बार 1,75,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर करने गए, जो बहुत सफल हज यात्रा रही, बहुत ही सुलभता के साथ हज यात्रा संपन्न हुई और इसीलिए हमारी कोशिश रही कि पूरे हज के प्रोसेस को डिले ना करने के बजाय उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसीलिए इस बार भी हज की जो घोषणा है वो पहले की गई है और जो 18 अक्टूबर से हज के फॉर्म्स के भरने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होगा जो 17 नवंबर तक चलेगा। उसके अलावा जो है वो हज ऐप भी हमारा है जो जिसके ज़रिए भी लोग अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और एक तरह से हमने कोशिश की है कि हज के पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल किया जाए। उसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी है कि हज सफल हो, सुलभ हो और अच्छी तरह से हो, इसलिए लगभग 21 इम्बार्केशन पॉइंट से इस बार जो है वो हज यात्रा होगी पूरे देश भर के। उसमें एक नया इम्बार्केशन पॉइंट कॉलिकट केरला का है वो जोड़ा गया है। उसके अलावा जो पिछली बार हमने ऑप्शन दिया था कि अगर श्रीनगर का व्यक्ति मान लीजिए चाहता है दिल्ली से जाना तो वो दिल्ली से जा सकता है,
रांची का व्यक्ति अगर चाहेगा कि उसे कलकत्ता से जाना है तो वो कलकत्ता से जा सकता है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे ऑप्शन दिए गए हैं और हमारी कोशिश है कि हज पूरी यात्रा जो 2019 है वो अच्छी तरह से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मुसलमान हज यात्रा कर सकें। सबरीमाला में जहाँ पे देखा जाए आज सारी महिलाओं के लिए जो है गेट शुरू कर दिया गया है, पर वहीं पर साथ ही साथ ऐसा देखा जा रहा है अभी की सिचुएशन देखा जाए तो कहीं ऐसे जो महिला है वुमेन जर्नलिस्ट है और स्पेशली रिपब्लिक के खुद ऐसे रिपोर्ट पत्रकार रहे उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और काफ़ी बुरी तरीके से अटैक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई डोंट वांट टू कमेंट हरी जी। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि जो हज यात्रा है वो हज यात्रा पानी के जहाज से भी हो और इसके लिए हमने जो है वो ग्लोबल टेंडर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, उसमें कुछ कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेशन किया है लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स और जो टीम है उसने उसको महसूस किया कि और ऑप्शन आने चाहिए और इसके लिए फिर से दोबारा ग्लोबल टेंडर अभी किया गया है जो न केवल देश में बल्कि हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट में, सिंगापुर में और दिल्ली वगैरह में तमाम जगहों पर एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि हम तो चाहते थे कि 2019 से ही हो लेकिन अगर 2019 में सऊदी अरब सरकार का की कंसेंट और भी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस, लेकिन हम उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं और शिपिंग कंपनीज के साथ उस पर बातचीत चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट कर रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वक्त इज द स्टेट मैटर, स्टेट कर रही है तो फिर हम जी। सर वन क्वेश्चन सर, सर जो एमजी अकबर जी के ऊपर आरोप लगे हैं कि 11 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया, आप लोगों का क्या स्टैंड है, व्हाई गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन दिस इशू? जर्नलिस्ट और सर मध्य प्रदेश में पिछली बार भी मध्य प्रदेश से भी और बहुत सी जगहों से जो है वो कोटे जितने भी दिए गए थे पूरे नहीं हुए, मतलब लोग पूरे उतने नहीं जा पाए। हमारी कोशिश होगी कि जिन स्टेट से जो कोटे हमें बढ़ेगा अगर हमारा तो उसके हिसाब से उसको हज कमेटी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सर हज ये साल आगे सस्ता होगा गुज़िश्ता साल के? मेरा सवाल ये है कि जो रुपये की कीमत घटी है और उसका बोझ हाजियों में पड़ा है तो क्या वो पैसे हाजियों से लिए जाएंगे कि हज कमेटी बढ़ेगी? हज कमेटी से एक बार इस बारे में बात करें। सर मेरा सवाल था पिछले साल की बनिस्पत ये साल का हज सस्ता होगा या महंगा? सर 2019 का हज जो है वो सस्ता होगा या महंगा? अभी हमारी कोशिश है कि हज जो है वो जो 2018 से महंगा ना हो, लेकिन वहाँ पर डिपेंड करता है कि जो सऊदी सरकार के जो अपने रूल्स हैं, टैक्सेस हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि महंगा ना हो। बताएं उसके बारे में जवाब दिया मैंने और कोई रिगार्डिंग ऑलरेडी गिवन हिज स्टेटमेंट वेरी साइलेंट। महिलाओं की बात कर रहे हैं, मीटू मूवमेंट चल रहा है, सबरीमाला में भी अनेक महिलाओं पर अटैक किया गया, क्या आपको लगता है इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए? देखो हमारे मिनिस्ट्री से पूछ रहे हो तो हमने तो विदाउट महरम महिलाओं को हज पर भेजने का पिछली बार निर्णय किया था, बहुत उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया, इस बार भी बिना महरम के महिलाएं हज पर जा सकेंगी। थैंक यू।